आज की क्लास में हम ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ेंगे और उससे बनने वाले एंगल्स के। बट उससे पहले हम सीखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। जैसे हमारे पास दो लाइंस है, कोई लाइन अगर इन दोनों लाइन को कट करती है तो वही लाइन कहलाती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे आप देख पा रहे हैं सामने इस लाइन ने कट किया तो ये लाइन कहलाएगी हमारी ट्रांसवर्सल। बट प्रॉब्लम यह आती है कि फिर हमारा इंटरसेक्टिंग और ट्रांसवर्सल लाइन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन भी एक दूसरे को कट करती है और ट्रांसवर्सल लाइन भी कट कर रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उसमें हमेशा एक पॉइंट पे कट करती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि एक ही है। बट जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसमें हमारे जो पॉइंट्स होते हैं इंटरसेक्शन के वो अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं तीन पॉइंट है, तो जब इस ट्रांसवर्सल लाइन ने इन्हें कट किया तो अलग अलग पॉइंट पे कट किया। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर अदर लाइन ऑन अ प्लेन एट टू और मोर डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जब कोई लाइन कट करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन उस लाइन के साथ अलग अलग तरह के एंगल बनाती है जो मेनली फोर कैटेगरी में बांटे हुए हैं। फर्स्ट है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सेकेंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, थर्ड हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। फर्स्ट है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे कैसे बन रहे हैं। ये एंगल्स ट्रांसवर्सल के या तो अबव साइड में होंगे या बिलो साइड में होंगे। अगर बनेंगे तो दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में बनेंगे या दोनों ही राइट हैंड साइड में बनेंगे। तो सेम पोजीशंस पे बनने वाले एंगल्स कहलाते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे यहाँ फोर अलग अलग पोजीशन दिखाई गई हैं कि हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर से आपको पता चल गया होगा कि लाइन के अंदर की तरफ बनेंगे और ऑल्टरनेट मीन्स अपोजिट साइड में। जैसे यहाँ दो पर्पल एंगल्स अपोजिट डायरेक्शन बने हैं, इसी तरह दोनों ब्लैक एंगल्स भी अपोजिट डायरेक्शन में बने हैं। नेक्स्ट इज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये इंटीरियर एंगल का बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे वह इंटीरियर में बन रहे थे ये बनेंगे हमारे एक्सटीरियर में और ऑल्टरनेट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे। तो यहाँ पे जो पिंक कलर के और ब्लू कलर का पेयर बन रहे हैं वही कहलाते हैं हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट इज आर को इंटीरियर एंगल, जिनको हम एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे सी और डब्ल्यू का एक पेयर बन रहा है और डी और एक्स का एक पेयर बन रहा है। तो जब हम एक्स और डी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180। इसी तरह जब हम सी और डब्ल्यू को ऐड करेंगे तब आंसर आएगा 180। इसलिए हम इन्हें सप्लीमेंट्री कहते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम देखें कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन, मीन्स कोई ट्रांसवर्सल ने अगर दो पैरेलल लाइन के पेयर को कट किया तो इन एंगल्स में क्या क्या चेंज आते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया हमारे पास ये मेन एंगल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल और को इंटीरियर एंगल। तो डिफरेंस बस ये रहता है इस कंडीशन में, जब वो पैरेलल लाइन को कट करती है तो ये बनने वाले पेयर्स इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि लिखा है व्हेन पैरेलल लाइन आर कट बाय ट्रांसवर्सल द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट आपको ध्यान होगा कि कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल। तो इन लास्ट हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइन वी हैव द फॉलोइंग इंटरसेक्ट रिलेशनशिप, मीन्स जितने भी हमारे पेयर होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, इक्वल।